पेड मीडिया के हमारे समाज पर कुछ साइकोलॉजिकली नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, मैं आपके सामने इन पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। आज एक छोटे बच्चे से अगर हम पूछे कि वो इन न्यूज़ को देखकर क्या समझता है, तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन सिर्फ उसी के पास जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो आज अपने माँ बाप से पूछता है कि रेप का मीनिंग क्या है, बलात्कार का मीनिंग क्या है, तो किसी भी पेरेंट्स के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इन न्यूज़ के अलावा इन चैनल्स पे हार्डली कुछ आ रहा है। अगर हम न्यूज़ के नाम पर देखते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं कि न्यूज़ कहाँ है। क्यों इतनी इन नेगेटिव चीज़ों को, क्यों इतनी अश्लीलता को हमारे पेड मीडिया चैनल्स प्रमोट कर रहे हैं? रेप की न्यूज़ देना एक अलग बात है, लेकिन उसको किस तरीके से, प्रोवोकिंग तरीके से दिखाया जा रहा है, ये एक अलग बात है। अपने आप को सबसे तेज चैनल कहलाने वाले, जिनकी टैगलाइन है सबसे तेज, आप इनकी वेबसाइट पर कभी जाकर देखिए, जितनी अश्लीलता, जितनी नेगेटिविटी, जितनी सिक चीज़ें यहाँ पर हैं, वो आपको किसी भी पत्रकार की वेबसाइट पर अपेक्षित नहीं है। आप इस तरीके के जितने भी फेमस चैनल्स की वेबसाइट्स हैं, जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स हैं, इन पर एक बार जाकर देखिए, इनके लिए अलग सेक्शंस बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाया जा रहा है? क्या हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसका ये धर्म है? इस तरीके से हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद होने वाली, हमारे देश के बच्चों को बर्बाद करने वाली इन साइकोलॉजिकली नेगेटिव चीज़ों को फैलाने के लिए इन्हें छूटछाट कौन दे रहा है? क्यों ये लोग इतनी निर्भयता से ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? आशाराम बापू जी के केस में अमृत प्रजापति नाम का उनका कोई पुराना आश्रम वाला आता है उनके लिए नेगेटिव बोलने के लिए, उसे बहुत सारा समय दिया जाता है। वो एक लाइन बोलता है कि आशाराम बापू के आश्रम में रहने वाली हर महिला या हर साधिका उनकी रखेल है। वॉट इज दिस? रखेल है? और ये चैनल वाले इस आदमी को अपने स्टूडियो में बैठाकर बोलने दे रहे हैं ये सब बातें? ये कितना बड़ा अपमान है हर एक महिला का। किस बेसिस पे ये हमारी पेड मीडिया महिलाओं के गरिमा की बात करती है और ये दुनिया भर की भाषणबाजी करती है? अगर ये सच में महिलाओं के गरिमा की सम्मान करती है, अगर इसे सच में महिलाओं के आत्मसम्मान की, उनकी वुमेन हेड की अगर कोई कद्र है, तो उन्हें ये दिखाना ही नहीं था। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो आशाराम बापू के नेगेटिव बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही है। दिस इज अ टोटल नेगेटिविटी, अ टोटल सिक मेंटालिटी ऑफ पेड मीडिया, जो कि हमारे समाज के लिए इतनी घातक है, इतनी घातक है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। अगर हम इनके इंटेंशंस को देखें तो पेड मीडिया जो इस समय कर रही है, वो खबर नहीं दिखा रही है, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं उनके साथ कम्पीट कर रही है, और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए वो एंटरटेनिंग तरीके से सब कुछ परोस रही है। और इस एंटरटेनमेंट का कोई लेवल इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये निचले से निचले स्तर पर जा रही है, ये झूठ दिखा रही है, ये गुमराह कर रही है, ये अश्लीलता परोस रही है, और ये बिल्कुल बुरी तरीके से हमारे समाज को लूट रही है। इस पेड मीडिया से हमें बचकर रहना होगा, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा कि क्यों इन पर कोई अंकुश लगाया नहीं जा रहा है, और अगर लगाया जा रहा है तो इन्हें इतनी निर्भयता से ये करने का अधिकार कौन दे रहा है।